बिजनेस ब्यूटी मंत्रा से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट के लिए पहले सब्सक्राइब बटन फिर इस बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना बॉस। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज प्रेरणा जैन, यू आर वाचिंग फिटनेस ब्यूटी मंत्रा और आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ विंटर स्पेशल वेट लॉस की डिनर की रेसिपी। जी हाँ, ये विंटर में जैसे कि ठंडी स्टार्ट हो गई है और अब हम विंटर्स के डाइट फॉलो करेंगे, तो ये आप इस डिनर रेसिपी को अपने डाइट प्लान में इंक्लूड कीजिए और बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस पाइए, क्योंकि ये बहुत डिलीशियस भी है साथ ही साथ आपका बहुत अच्छा वेट लॉस करती है, तो इसे आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलिए, ये एक सूप की रेसिपी है, तो चलिए हम इस सूप की रेसिपी को जानते हैं कि कैसे बनाना है। तो इस सूप को बनाने का जो हमारा की इंग्रेडिएंट है वो है पम्पकिन, यानी कि कद्दू जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और ये हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि ये लो कैलोरी इंग्रेडिएंट है, साथ ही साथ ये डाइट्री फाइबर इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, जिसके कारण ये हमें हमारे स्टमक को लंबे टाइम के लिए फुल रखता है और हमें जल्दी भूख नहीं लगने देता है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा वेट लॉस करता है। ये गुड सोर्स है पोटेशियम का, इसमें पोटेशियम बहुत हाई मात्रा में पाई जाती है एंड ये हमारे आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और अब हम इस पम्पकिन को ग्राइंड करके इसका एक फाइन प्योरे तैयार कर लेंगे। इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसको गर्म करके उसमें हाफ टी स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो 1 टीस्पून तक ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, और आप चाहें तो ऑलिव ऑयल या घी भी, क्लेरिफाइड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये हमारे तरफ बिहार में ये बहुत ही पॉपुलर तड़के में लगाने वाली चीज़ है, इसमें हम इसे 5 फोरन बोलते हैं हमारे बिहार के साइड में। इसमें हम डालेंगे सौंफ, मेथी, ज़ीरा, सरसों और कलौंजी, इन 5 चीज़ों को मिक्स करके हम ये मिक्सचर बनाते हैं और ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी प्रोवाइड करता है अगर आप इसका तड़का लगाते हैं तो, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे यूज़ किया है। ये आपका टेस्ट तो इन्हेंस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके हेल्थ के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। इसे हम 5 फोरन बोलते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट उस लाल डिब्बे पर डिनर बनाओ, लंच बनाओ, मुझे नहीं पता, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो क्योंकि आपको पता है कंटेंट अच्छे मिलेंगे। और इस चैनल के साथ साथ आप मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि मेरे फ्यूचर के सारे कंटेंट जो होंगे वो उसी चैनल पे अपलोड होने वाले हैं, तो आप मिस कोई भी कंटेंट ना करें, इसलिए आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही हमारा 5 फोरन थोड़ा सा आवाज करने लगे, हम उसमें ग्रीन चिली डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 ग्रीन चिली यूज की है, आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देन फिर हम इसमें 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक डालेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से थोड़ी देर चलाएंगे। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और फिर हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे। जब ये थोड़ा सा इसमें से फ्रेग्रेंस आने लगे तब तक हम इसे चलाएंगे। जब इसमें से फ्रेग्रेंस आने लगे और ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तब हम इसमें पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करेंगे और अगेन इसे थोड़ा सा चलाएंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो हमने जो अपने पम्पकिन का प्यूरे रेडी किया था वो प्यूरे हम इसमें डाल देंगे और इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट हम इसे चलाएंगे। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक बिग थम्स दे दीजिए, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मुझे और अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। 1 से 2 मिनट चलाने के बाद हम इसमें जरा सा सिनेमन पाउडर ऐड करेंगे और फिर अगेन हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, 1 कप के तकरीबन आप इसमें वाटर ऐड कर देंगे। वाटर डालने के बाद अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और सॉल्ट सिर्फ पिंक हिमालयन या फिर सी सॉल्ट ही होना चाहिए, नॉर्मल टेबल सॉल्ट नहीं यूज़ करना है अगर आप वेट लॉस प्रोसेस में हैं तो। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो वर्दी लगती है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड सोशल मीडिया लिंक्स पर शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी मेरे इन वीडियोज़ के बारे में पता चल सके, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, वहाँ पर मैं मोस्टली अवेलेबल रहती हूँ, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे तरीके से बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, और एक्चुअली में हमें इसका पानी रिड्यूस करना है, और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाए, जब इसमें थिकनेस आ जाए, पानी एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाए, तब हम इसमें 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड्स डालेंगे।
जी हाँ, पम्पकिन सीड्स जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो पम्पकिन सीड्स हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे। देन फिर 1 टीस्पून हम इसमें ड्राइड कोकोनट डालेंगे। ये जो कोकोनट गरी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, वो चॉप किया हुआ, हम ग्रेटेड ड्राइड कोकोनट नहीं डालेंगे, हम इसमें चॉप किया हुआ, फाइनली चॉप किया हुआ गरी जो होता है वो डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बिल्कुल ज़रा सा स्किम्ड मिल्क ऐड करेंगे, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से चला के बॉयल होने देंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाए उसके बाद आप गैस को बंद करके उसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दीजिए और उसे थोड़ा सा मिक्स करके गैस से उतार लीजिए, गैस आपको बंद कर देना है। और ये हमारा डिलीशियस टेस्टी सूप विंटर्स के लिए रेडी हो गया है। एंड आई एम श्योर कि जिनको पम्पकिन नहीं भी पसंद है उनको भी ये सूप बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि ये बहुत डिलीशियस लगता है एंड साथ ही साथ ये आपका अमेजिंग तरीके से वेट लॉस भी कर रहा होगा। तो आप अच्छी हेल्दी चीज़ भी खा रहे हैं, वेट लॉस भी कर रहे हैं, जो कि साथ ही साथ बहुत डिलीशियस भी है। और इसको आपको खाना कैसे है, ये आप वीक में 3 दिन इसको कंटिन्यूस करेंगे, उसके बाद 1 दिन का ब्रेक लेंगे, उसमें 1 दिन में भी आपको कोई हेल्दी डिनर ऑप्शन ही चूज़ करना है, उसके बाद अगेन आप इसे 3 दिन के लिए कंटिन्यू कर दीजिए। इस तरीके से आप इसे 2-3 वीक तक आराम से खा सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आप इसका पा सकते हैं। सो आई होप कि आपको मेरी ये वेट लॉस की डिनर की रेसिपी विंटर्स के लिए पसंद आई होगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग टिप्स ट्रिक्स रेमेडी रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।